अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत ने शिक्षकों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर मुद्दा उठाया। पुरानी बहाली पेंशन लागू नहीं करने पर शिक्षकों के संघ के महामंत्री विपिन शर्मा ने बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। प्रदेश महामंत्री विपिन प्रकाश शर्मा ने कहा कि शिक्षकों ने पिछली सरकार में भी पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा उठाया था, पर सरकार बदल गई है। पर अब वर्तमान सरकार शिक्षकों की पुरानी बहाली पेंशन को लेकर कोई भी काम नहीं कर रही है। सरकार स्पष्ट बताए कि शिक्षकों की मांग को पूरा करेगी या नहीं। के बाद पहली बार शिक्षकों के शैक्षिक सम्मेलन हो रहे थे, इसमें एक ही मुद्दा छाया रहा, पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा। सरकार का रुख स्पष्ट नहीं है कि सरकार इसे लागू करेगी या नहीं करेगी। गत सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम लागू की थी और राजस्थान के 4 लाख नए कर्मचारी इस दायरे में आए थे। अखिल राजस्थान संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत सरकार के रुख मांग करता है कि सरकार अपना रुख स्पष्ट करे कि सरकार क्या चाहती है, पुरानी पेंशन बहाली को लागू रखना चाहती है या उसे बंद करना चाहती है। हमारी शिक्षकों से यह मांग है कि जब भी आवश्यकता हो कर्मचारी महासंघ उनको ललकारे तो वह एकजुट होकर खड़े रहे। फरवरी माह में रेलवे यूनियन की चक्का जाम हड़ताल में जिसमें कर्मचारी महासंघ ने अपना सपोर्ट दिया है और जो भी प्रदेश के और देश के सारे कर्मचारी महासंघों से मिलकर अखिल राजस्थान कर्मचारी महासंघ ने एक रणनीति बनाई है। फरवरी माह में अगर आम हड़ताल होती है तो राजस्थान का कर्मचारी भी कंधे से कंधा मिलाकर तैयार रहेगा। हम शिक्षकों से भी आह्वान करते हैं कि वो अपनी इस मांग के लिए पुरजोर कंधे से कंधा मिलाकर जो 84 लाख कर्मचारी देश के हैं उनकी ओर देख रहे हैं कि राजस्थान में लागू हुई है, उनके सहयोग के लिए हम तत्पर रहेंगे और जो भी आम हड़ताल होगी और जो भी देश के कर्मचारी महासंघ फैसला करेंगे उसमें राजस्थान के कर्मचारी एकजुट होकर बढ़ से अपना भाग लेगा।